तीर कमान से बात जवान से निकल गई सो निकल गई, इसलिए बोलने के पहले तौला करो, सोचा करो, विचारा करो। आपका बोला जीवन भर याद रखा जाएगा। दानवीर कर्ण ने आज से 5,500 साल पहले बोला था कि द्रौपदी तेरे 5 पति हैं, छठवा मुझे बना ले। कितने साल पहले बोला था ये कर्ण ने? 5,500 साल पहले। लेकिन 5,500 साल बाद भी उसका बोला शब्द आज भी जिंदा है कि नहीं? हम मर जाएंगे, हमारे कहे शब्द अमर हो जाएंगे मेरी माँ, हमारी वाणी अमर हो जाएगी। सुभाष चंद्र बोस चले गए, उनके शब्द अमर है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मीरा मर गई, उसके शब्द जिंदा है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। मर गई, आप भी मर जाएंगे, हम भी मर जाएंगे, हमारी वाणी लोग याद करेंगे। आपके कर्म को, आपके व्यवहार को, आपके संस्कारों को लोग याद करेंगे। कबीरदास जी चले गए, तुलसीदास जी कहाँ हैं? चले गए, आज भी उनकी वाणी जिंदा है, सी राम मैं सब जग जाने। इसलिए बोला करो, विचार करके बोला करो। शब्द तो दुर्योधन के भी जिंदा है आज तक, आजा मेरी जंघा पर बैठ जा द्रौपदी। और सेंटेंस तो द्रौपदी का भी जिंदा है, द्रौपदी भी कहती हैं अंधों के अंधे होते हैं, 5,500 साल पुरानी बातें, लेकिन बातें अमर हैं। शब्द कभी मरता नहीं है, वाणी कभी मरती नहीं है। दोस्तों सभी को जय श्रीमन्नारायण। दोस्तों जैसे कि अभी महाराज ने बताया कि इंसान के मरने के बाद उसकी यहाँ पे सिर्फ शब्द ही पड़े रह जाते हैं, वह उसके अच्छे होते हैं या शब्द बुरे होते हैं। दोस्तों अभी महान लोगों के जो है वो बोलियों को महाराज ने अभी सुनाया कि कुछ लोगों ने अच्छी बातें कहीं तो कुछ बुरे। तो दोस्तों हमें यह भगवान ने मुँह दिया अच्छी बातें बोलने के लिए। दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। मिलते हैं इसी तरह की दूसरी वीडियो में। शुक्रिया आप सभी का यहाँ तक वीडियो देखने के लिए।